रात होते 10 बजे अकरम वहीमा में जा मेरे साथ ही गलती सलाम विलादत का सादत हजरत रसूल अकरम और एमा में जा मेरे साथ ही गलती सलाम को तमाम लोगों को देखिए आप लोग महफिल में बैठे हैं। ये महफिल वो रसूल का महफिल है कि जिनके विलादत पे जनाब इब्राहिम भी खुश होंगे, जनाब इस्माइल भी खुश होंगे, जनाब अब्दुल्ला भी खुश होंगे, अब्दुल मुत्तलिब भी खुश होंगे, अबू तालिब भी खुश होंगे, जनाब अब्बास भी खुश होंगे और जनाब हमजा भी खुश होंगे। ऐसो यहाँ तक के छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी लोग हैं इस दुनिया में और जो आशिके रसूल हैं, जो रसूल के चाहने वाले हैं, वो तमाम लोग खुश होंगे। तो आप लोग भी बेदारी के साथ और खुशी से महफिल का मजा लीजिए। और सुनिए शेर कि शायर कहता है, जमाने में जो चर्चा फिक्र दीने मुस्तफा का है, जमाने में जो चर्चा फिक्र है दीनो मुस्तफा का है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शान से शायर ये बताना चाहता है कि जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जमाना था तो दुश्मन आले रसूल जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, तो वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को इससे जो फायदा हुआ है शायर वो बताना चाहता है। जमाने में जो चर्चा फिक्र दीने मुस्तफा का है, जो सच पूछो इमाम जाफर सादिक का तोहफा है, जो सच पूछो इमाम जाफर सादिक का तोहफा है, खुदा वो मुस्तफा मौला अली का नाम का कलमा, खुदा वो मुस्तफा मौला अली के नाम का कलमा हकीकत में इमाम जाफर सादिक का तोहफा है, हकीकत में इमाम जाफर सादिक का तोहफा है, जो है आदम तक कायम सैयद लौलाद का शजरा, जो है आदम तक कायम सैयद लौलाद का शजरा, चलन जो अंबिया वो मुरसलो औलिया का है, जमाने ने इमाम जाफर सादिक से सीखा है, जमाने ने इमाम जाफर सादिक से सीखा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले इसलिए कि शायरे हिदायत कम है, तो मैं अपने पुराने शेर से जो हमारा पसंदीदा शेर है उससे मैं शुरू करता हूँ कि अभी हमारे नाज़िम साहब कह रहे थे कि हम फर्श महफिल या फर्श मजलिस पे बुलाते हैं इमाम जमाना को, समाज फरमाइएगा कि शायर फर्श अल्लाह के ताल्लुक से क्या कहता है। हर दौर में दुश्मन तो हमें मार रहा है, हर दौर में दुश्मन तो हमें मार रहा है, एक फर्श अजा है जहाँ वो हार रहा है। आगे का शेर सुनिएगा इंशाल्लाह याद रह जाएंगे। हर दौर में दुश्मन तो हमें मार रहा है, एक फर्श अजा है जहाँ वो हार रहा है, हिम्मत है तो मैदान में आज शाम के हाकिम, छह माह का बच्चा तुझे लगता, छह माह का बच्चा मोहम्मद अक्काश से डर लगता है। शेर सुनिएगा इंशाल्लाह याद रह जाएंगे। जौहरे सिमत के अक्काश से डर लगता है, जंग में तपती हुई प्यास से डर लगता है, जंग में तपती हुई प्यास से डर लगता है, इसलिए दरबला में आया नहीं यजीद लानती, उसको जैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको जैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को पढ़ के जहां को हिला दिया, नादे अली को पढ़ के जहां को हिला दिया, एक शेर ने फुरात से सबको भगा दिया, नादे अली को पढ़ के जहां को हिला दिया, एक शेर ने फुरात से सबको भगा दिया, सबको भगा दिया, चुल्लू में भर के आग को पानी पे मार के, चुल्लू में भर के आग को पानी पे मार कर अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया, अब्बास ने फुरात को पानी
ने पिला दिया इस सवाल पढ़े मोहम्मद वाले आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं इसलिए आहिस्ता उनकी पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। समाज फरमाइएगा रखते हैं जो भी बुग्ज़े मोहम्मद की आल से रखते हैं जो भी बुग्ज़े मोहम्मद की आल से जन्नत को दे निकाल वो ख्वाबो ख्याल से रखते हैं जो भी बुग्ज़े मोहम्मद की आल से जन्नत को दे निकाल वो ख्वाबो ख्याल से इस्लाम की हुई है हकीकत में परवरिश इस्लाम की हुई है हकीकत में परवरिश इमरान के लहू से खदीजा के माल से इमरान के लहू से खदीजा के माल से आखिरी शेर पेश करने जा रहा हूँ और आपसे तलबगार हूँ सिर्फ तवज्जो का और तवज्जो के साथ अब जब सुनेंगे तो जरूर बोलेंगे इंशाल्लाह। जो तूने सोचा नहीं जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यजीद के दरबार में क्या कहती है शायर इसके ताल्लुक से कहता है जो तूने सोचा नहीं है वो काम कर दूंगी जो तूने सोचा नहीं है वो काम कर दूंगी तेरी हर एक सुबह को मैं शाम कर दूंगी जो तूने सोचा नहीं है वो काम कर दूंगी तेरी हर एक सुबह को मैं शाम कर दूंगी की बेटी हूँ सुन बद नसब के बच बेटे यजीद वालों का जीना हराम कर दूंगी यजीद वालों का जीना हराम कर दूंगी।